वेलकम व्यूअर्स, मेरा नाम है रामचंद्र। आप देख रहे हैं रैम्बल क्लास। व्यूअर्स, आज पहली दफ़ा बाबा मेरे ब्लॉग में आए हैं, तो आज हम अपनी बाइक का काम करवाने आए हैं। तसली बख्श, तो अभी वो चेन का मसला था, तो अभी चेन खुलवा के मैं बाइक धुलवा के आता हूँ, तो फिर इसका काम शुरू होता है। पता नहीं अब कितनी देर लग जाएगी इसके काम में। हाँ, बारिश हुई थी ना, इसलिए अभी बाद में आया, वरना सुबह 9:30 आ जाता तो बारिश बड़ी हो रही थी, तब इसकी चेन खोल। तो व्यूअर्स, अभी मैं बाइक को धुलवा के आ गया, तो पहले बाबा की बाइक का काम हो रहा है, उसके बाद फिर मेरा बाइक का काम होगा। मेरी बाइक ज़रा लंबा है ना, जैसे बाबा का काम छोटा, फिर बाबा घर चल जाएंगे। अभी बड़ा काम निकल गया बाइक से, तो छोटा छोटा काम भी करवा लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये गाड़ी का भी काम चल रहा है, पेट्रोल शो हमारे ये भाई हैं, काफ़ी पुराने हैं, जब से हम आए हैं इनसे ही काम करवाते हैं। तो अभी ये फिल्टर लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है, समझ नहीं आ रही। वो बाइक खड़ी है, उसका भी चैन वगैरह का अभी काम हुआ है। बड़े फ्रेंडली भाई हैं ये, काम बड़ा अच्छा वो करते हैं। अभी जब काम होता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ डेकोरेशन का भी काम करवाता हूँ, तो खत्म हूँ आपको डेकोरेशन क्या करवानी है बाइक की। वैसे काफ़ी डेकोरेशन बाइक की हुई है, लेकिन और कुछ जगह भी होनी है, तो मैं दिखाता हूँ। तभी ये गाड़ी का काम चल रहा है, होता है बंद होती है फिर ऊपर आती है, फिर मैं आपसे दिखाता हूँ आपको। तो व्यूअर, बाइक का 125 का तो काम हो चुका है, बाकी 70 रह गया। तो अभी उसका मेरे ख्याल से बैटरी डलनी है और ब्रेक सही हो रही है, फुटस्टेप डलने हैं, मीटर भी अभी नया डलना है, और एक ब्रैकेट्स होते हैं पीछे नंबर प्लेट पे लगते हैं, वो भी अभी करना, भी तो काफ़ी काम रह गया, बस थोड़ा सही है वो कर रहे हैं। वही सुबह आए हुए हैं हम, तकरीबन 3 बजे के आए हुए हैं हम इधर, और अभी 8:30 बज गए हैं हम, इतनी देर हो गई है ना यहाँ पर आए। काम भी ऊपर वो लेमिनेशन लगवानी थी, लेकिन अभी टाइम नहीं है उनके पास, उनके लाइट भी तभी है। तो ये दुकान है जहाँ से हम काम कराने, बाकी वो स्पेयर पार्ट्स उधर से मिलते हैं, बाकी लेमिनेशन बाकी ट्यूनिंग वगैरह इधर होती है। और ये बाइक का वो सामान है जो अभी बाइक को किया, अभी ट्यूनिंग हुई है, वो जो होते हैं तारे सही हुई है, अगले टायर का वो अंदर फंस गया था वो सही हुआ है। अभी ये जो है ब्रेक, अभी ये भी सही हो गया, बस मीटर रह गया और बैटरी और पीछे वाला वो। तो जब वो होता फिर मैं आपसे पूछता हूँ। बाबा की हालत देखें बड़ी ख़राब हो गई है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। चाबी मिल गई, एक सेकेंड आपको ज़रा लाइट ऑफ कर दूँ, आपको अभी कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर दो में गुड्डी सिख रहा जट दी तो जट तोड़ा पट नहीं देख दुनिया है मच दी चाल पड़ जाता अख दी गुड्डी सिख रहा जट दी तो जट तोड़ा पट नहीं देख दुनिया है मच दी चल पड़ जाता अख दी वेख दुनिया है मच दी मचाउनी अजे होर है वखरा स्टैल बीबा वखरी जी तो रहनी मसो बार चल देनी साड़ी गल हो रहनी 24/7 चिल मोड रहिंदी सानू लो रहनी आज जिने आउना या के वैर पाके देखे गिनती ना कोई अगे हट के ने सेके रब ने ता ही कुछ लिखे आए लिखे शकलों शरीफ जानी ना तू कटनी गुड्डी सिखरां ते जट दी उत्तों जट तोड़ा पटनी वेख दुनिया है मच दी चल पड़ जाता अख दी। बताओ भाई कैसी लगी। और मेरी बाइक का तो काफ़ी काम हुआ, अगर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने से बैठता ना भाई व्लॉग बड़ा लंबा हो जाएगा। तो बस मैं आपको इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब इसकी फुल डिटेल में आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी रात काफ़ी हो गई, व्लॉग अभी एडिट करके चलाने भी है। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अभी मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। यार व्यूवर्स कमेंट ऑन नहीं होते, इसका कुछ रीज़न है, मैं आपको किसी व्लॉग में बताऊँगा, तो बताएं यार। अब आपको मैं रीज़न बताऊं या ना, आप कैसे बता सकते हैं। मेरा एक खान यूट्यूब चैनल है, उस पर ऑन होते हैं, उसमें जाकर कमेंट करना यार। चलो ठीक है, मैं मिलूँगा, अल्लाह हाफिज़।